कठुआ और कुलगाम में बड़ा एनकाउंटर। भारतीय सेना ने लिया शहादत का बदला। जवानों ने मार गिराए 5 आतंकी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच आतंकियों ने एक बार फिर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश की। यहां दहशतगर्दों ने भारतीय सेना को निशाना बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश तो की, लेकिन भारतीय सेना ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है और लगातार ये काम जारी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ कश्मीर के कुलगाम और दूसरी जम्मू के कठुआ जिले में हुई। कुलगाम में लगभग 10 घंटे चली मुठभेड़ में TRF के कुख्यात आतंकी आकिब अहमद शेर गुजरी समेत 2 आतंकी ढेर हो गए और SSP रैंक के एक अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बिलावर तहसील स्थित कोग मंडली में रविवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। उसका शव बरामद कर लिया गया है। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शनिवार यानी कि 28 सितंबर को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उन्हें 3 से 4 विदेशी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसी बीच देर शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए। DSP और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। दोनों अधिकारियों की हालत अभी स्थिर है। तो ही कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में भी शनिवार को एनकाउंटर हुआ था। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के ASP घायल हुए थे। वहीं साउथ कश्मीर के DIG जावेद इकबाल मट्टू ने बताया कि आदिगाम एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इनमें एक आतंकी आकिब अहमद शेर गुजरी बडगाम के चडूरा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी उमेश वानी जो कुलगाम के ही चावलगाम का रहने वाला है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर तायबा से ताल्लुक रखते हैं। 27 सितंबर को पुलवामा के, आपको बता दें, अवंतीपोरा में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया था। ये युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देते थे। इनके पास से 5 IED, 30 डेटोनेटर, IED की 17 बैटरी, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 25 राउंड और 4 हैंड ग्रेनेड, इसके साथ साथ 25,000 रुपये से ज़्यादा कैश भी बरामद किया है। पुलिस ने इसके साथ ही बताया है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित कश्मीरी आतंकी उन युवाओं की तलाश में है जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच में सामने आया था कि आतंकियों ने जेल में एक ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से कई युवाओं की पहचान की, जिन्हें अवंतीपुरा के त्राल क्षेत्र में आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ये दहशतगर्द मारा गया। लगातार ऐसे आतंकियों की भारतीय सेना तलाश भी कर रही है ताकि इन लोगों को मिट्टी में मिलाया जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।